अब खबरें विस्तार से। शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश भर में अव्वल रहने वाले जिला हमीरपुर ने जेईई मेन परीक्षा में भी दबदबा कायम रखा। जेईई मेन परीक्षा परिणामों में पूरे हिमाचल में हमीरपुर के हिम अकादमी पब्लिक स्कूल विकास नगर के दो बच्चों ने अच्छे नंबर लेकर जिला का नाम रोशन किया है। जेईई मेन परीक्षा में हिम अकादमी स्कूल के अनमोल शर्मा ने 99.44 और माधव आनंद ने 98.25 अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा स्कूल में एक दर्जन छात्रों ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। स्कूल प्रबंधक ने मेधावी छात्रों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश भर में अव्वल रहने वाले जिला हमीरपुर ने जेईई मेन परीक्षा में भी दबदबा कायम रखा है। जेईई मेन परीक्षा परिणामों में पूरे हिमाचल में हमीरपुर की हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल विकास नगर के दो बच्चों ने अच्छे नंबर लेकर जिला का नाम रोशन किया है। जेईई मेन परीक्षा में हिम अकादमी स्कूल के अनमोल शर्मा ने 99.44 अंक और माधव आनंद ने 98.25 अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा स्कूल में एक दर्जन छात्रों ने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। स्कूल प्रबंधक आरसी लखनपाल, चंद्रप्रभा लखनपाल, हिमांशु लखनपाल, नैना लखनपाल ने मेधावी छात्रों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। .44 अंक लेने वाले अनमोल शर्मा ने अपनी उपलब्धि पर स्कूल अध्यापकों के अलावा सहयोगियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि दो सालों में स्कूल में बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने बताया कि जेईई मेन में नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से कुछ कमी रह गई है। अनमोल ने कहा कि जरा सी चूकने पर हिमाचल टॉपर बनने से पीछे रह गए हैं। सर, हमारे सबसे पहले मैं स्कूल को धन्यवाद करना चाहूँगा, फिर अपने माता पिता को और अपने सभी साथियों को जिन्होंने मुझे मतलब इसमें साथ दिया, मेरी प्रिपरेशन में मदद की, और उन सभी का मतलब तहे दिल से धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इन दो सालों में जो मैंने यहाँ पे गुजारे मेरी मदद की, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक्चुअल में मैंने अटेम्प्टेशन तो हाई किया था लेकिन थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो उस चक्कर में मतलब मेरे को लगा था अप्रॉक्सीमेट 200 तक, मतलब 200 नंबर तक बन सकते थे, तो जब मैंने एनटी के आंसर की चेक की तो इट वाज अराउंड 181 और 185, तो इतने तक का बन गया था। तो आई वाज ओके ठीक है, अच्छा परसेंटाइल बन जाएगा। एंड देन टुडे आई केम टू नो दैट द परसेंटाइल फॉर द एचपी वाज द हाईएस्ट 99.96 एंड आई गॉट 99.44, सो वाज अ लिटिल बिट गैप। आई कुड बी द एचपी टॉपर बट आई वाज स्टिल 0.52% अवे। सर, पहले तो बेसिक कंसेप्ट में मास्टरी करनी पड़ती है। आप एनसीईआरटी पढ़िए या एस दिनेश की पढ़िए, जो भी बुक पढ़िए, पहले मेन कंसेप्ट के ऊपर जब मास्टरी करो उसके बाद दूसरी चीज़ों पे जाओ कि कम्पिटिटिव में हमने किस तरह से करना है, क्या क्या बोल, क्या क्या मतलब फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अलग मतलब एक नोट करके रखो, मेमोरी फ्रेम्स बनाओ, फिर जब सॉल्व करते हैं फिर डबल क्रॉस आंसर शीट बनाओ ताकि दूसरी बार जब आप सॉल्व करें तो आपके पास एक मतलब पिछला नॉलेज तो हो कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था। और बढ़िया मतलब थोड़ा एक वो भी होता है कि हमें नॉलेज भी होना चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए कि पहले पेपर में आता क्या है। अब हमारे को गाइडेंस थी, हमें संजीव सर ने पहले ही बुक दे दी थी कि आप इससे पुराने पेपर सॉल्व किए, तो अब मैंने 16 के 16 जो 19 के पेपर थे वो ट्राई किए, प्लस कुछ AIEEE के ट्राई किए थे 12-13 उनके, तो थोड़ा एक्सपोजर था पेपर के बारे में, तभी मतलब जल्दी जल्दी। और एक्चुअल में मेरा पेपर था भी लास्ट में, लास्ट शिफ्ट 9th, 2nd शिफ्ट, और बाकियों से तो इतना तो नॉलेज हो गया था पेपर किस तरह से आ रहा है क्या कर रहा है। तो सर, NDA में अब इसके साथ जैसे 99.44% है तो CSE मिल रहा है, आई वुड ट्राई फॉर द एडवांस, अगर मतलब सिलेक्शन जिस हिसाब से बनता है तो अगर एडवांस में आई गेट अ चांस, मतलब वहाँ पे BTEC या BSc ऑनर्स किसी अच्छे में मिल जाती है, आई वुड प्रेफर दैट। और अगर मतलब यहीं पे CSE पे रहना हो तो अगर SSB क्वालिफाई हो जाता है दूसरी साइड NDA पे, तो आई वुड प्रेफर। वही माधव आनंद ने कहा कि परीक्षा में 98.25 अंक मिले हैं और परीक्षा के बाद पूरी उम्मीद थी। उन्होंने बताया कि स्कूल में काफी तैयारियां करवाई गई थी जिसके कारण आज परिणाम में अव्वल रहा हूं। उन्होंने बताया कि खुद के द्वारा की गई तैयारी के चलते परीक्षा अच्छी हुई थी। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए जाने पर सही ढंग से पढ़े और मन लगाकर परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। स्कूल स्टाफ को, फिर हॉस्टल मेंबर्स को और मेरे पेरेंट्स को। सर, सबसे सर मेन फोकस सर हमारा सर सेल्फ स्टडी पे रहता है सर, तो सर मेरी मदद सर मेरे सर टीचर्स ने की है सर, और जो सर स्कूल में ओलंपियाड जो है सर, MCQ हैं सर,
तो सर सेल्फ स्टडी पे फोकस रहता है सर मेन। तो सर क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैसेज तो मैं सर ये कन्वे करना चाहूँगा कि जो भी हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं उसको हम ध्यान दें, अच्छे से उसको हम ध्यान दें और टीचर्स की रिस्पेक्ट करें और सेल्फ स्टडी पे मेन फोकस रहे। और जो हमारा हॉस्टल का टाइम टेबल है और घर का टाइम टेबल है, हॉस्टल के टाइम टेबल में और घर के टाइम टेबल में बहुत फ़र्क है। तो हॉस्टल का टाइम टेबल तो बहुत अच्छा है और एनवायरनमेंट भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोवाइड होता है। मैंने अपना पेपर ख़त्म किया तो मैंने अप्रॉक्स 150 का अटैम्प्ट किया था। मेरे को लग रहा था कि मेरा होगा कि मेरा कट ऑफ के आसपास आएंगे, पर जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो 98% मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। स्कूल प्रबंधक हिमांशु लखनपाल ने कहा कि जेईई मेन परीक्षा के परिणाम में 2 छात्रों ने टॉप किया है और इसके अलावा 25 छात्रों ने जेईई मेन पास किया है। उन्होंने कहा कि परिणाम आने के बाद से स्कूल में खुशी का माहौल है और इसका श्रेय स्कूल के अध्यापकों की माइक्रो लेवल टीम को जाता है, जिससे हर साल स्कूल का परिणाम बेहतर रहता है। नहीं, आज जेईई मेन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और रिजल्ट डिक्लेयर होते ही स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि रिजल्ट हमारा बहुत बढ़िया रहा है। जो हमारा हाईएस्ट स्कोर रहा है अनमोल का 99.4 और दूसरे नंबर पर इसका माधव आनंद का 98.4 ये रिजल्ट रहा है। इसके अलावा हमारे अभी तक की जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें 25 बच्चों का ये क्लियर हुआ है मेन और रिजल्ट अभी आ ही रहे हैं। और हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल की तो ये स्पेशलाइजेशन बहुत सालों से रही है टू गिव एक्सेलेंट रिजल्ट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और उसका क्रेडिट जाता है जो हमारी टीम है, टीम ऑफ द टीचर्स, उनकी माइक्रो लेवल की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को, क्योंकि बच्चों को एक पूरी मॉक रिहर्सल हो जाती है कि उन्होंने फाइनल एग्जाम में करना क्या है। ऑनलाइन टेस्ट के एक्सपोजर देना है, उनको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एक्सपोजर देना है और ये गाइड करना कि इसका नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करना है, और पर्सनल अटेंशन बाय द टीचर्स, कंटिन्यूस मोटिवेशन बाय द टीचर्स, स्पेशली जो हमारे हॉस्टल के बच्चे हैं। ये बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि हॉस्टल के बच्चों ने टॉप किया और ये ट्रेडिशन कंटिन्यू रह रही है। तो ये जो एनवायरनमेंट बच्चों को मिलता है ग्रुप स्टडी करने का वो बहुत बढ़िया है, और हीरानगर और विकास नगर ये दोनों का ही मैं बता रही हूँ, दोनों में ही ये जो हमारे रिजल्ट हैं आज बहुत अच्छे रहे। बेही स्कूल के अन्य छात्रों ने भी जेईई मेन परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल किया है। बातचीत में बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल मैनेजमेंट और अध्यापकों के अलावा सहपाठियों को दिया है। सर, सबसे पहले मेरे 95.83% आए जेईई में, और इसके लिए सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, अपनी फैमिली को जिनने मेरे को इतना सपोर्ट किया, और उसके बाद टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट को जिन्होंने हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ढील छोड़ी और हमें एक तरफ फोकस करने दिया कि हम जेई की तैयारी कर सके बहुत अच्छे तरीके से। और उसके बाद सर सेल्फ स्टडी सर सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जब भी हम करते हैं, मतलब सर टीचर्स हमें गाइड करते हैं, सबको ही गाइड करते हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट होती है सेल्फ स्टडी। जो जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान देता है उतना ही ज़्यादा उसके परसेंटाइज आगे आता है। उसके बाद सर हमारे बहुत सारे मॉक टेस्ट हुए यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें पेपर पैटर्न का काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो गया था, और सर ऑनलाइन टेस्टिंग भी होगी जिसकी वजह से हमें पता लग गया कि पेपर में क्या क्या आ रहा है और किस तरीके से पेपर करना है। और हम पहली बार जाके एकदम से शॉक नहीं हुए वहाँ पे जाके, हमें एक तरह का एक्सपोजर मिल गया ऑनलाइन टेस्टिंग का, और इसी वजह से हमारे जो परसेंटाइल है वो इतना अच्छा आ सका। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को और अपने दोस्तों को भी, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है। अनमोल भी काफ़ी डिस्कशन में मेरे साथ इन्वॉल्व रहता था, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ हम शेयर कर पाते थे और काफ़ी कुछ हमने गेन किया है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को और स्कूल के स्टाफ का। मेरे वैसे 91.45% मार्क्स आए हैं, और बाकी यही बोलना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और मतलब लगातार मेहनत करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि रुकना बीच में, करते रहना चाहिए बस। किन पॉइंट्स पे पिछड़े हैं आपको लगता है आपके फ्रेंड्स के थोड़ा ज़्यादा हैं? सर वो मेरे कई क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग चली गई है, वहाँ पे हो गया, वहाँ पे कम है। थैंक यू।